नमस्कार, मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूँ क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड। जब कोई मर्द अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ प्रेम प्रसंग चलाता है तो शुरू शुरू में उसको सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जाता है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये बस उसको अपराध की तरफ ले जाता है, एक ऐसा अपराध जो एक नहीं दो नहीं कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। आइए इस कहानी के रहस्यों से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि कितना बड़ा अपराध होने वाला है और कौन अपराधी है, कौन पीड़ित। थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं आपके लिए लंच बना देती। आप ऐसे बिना लंच लिए ऑफिस जाएंगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही रोशनी, तुम्हारी माँ भी बाहर है, उनसे जाके मिलो और कुछ भी रहेगा तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँ। ठीक है, सुनिए तो तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो, अपनी मम्मी के पास जाओ। ठीक है, थैंक यू। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, और अपना ख्याल रखना। आप भी। कैसे लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बस चले ना तो मैं हर हफ्ते आके फेशियल करवाऊं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाए करिए ना। अरे कहा, मेरे पति की जेब से पैसे ही नहीं निकलते। आइए ना दीदी, आइए। सही तो लग रहा है ना? चले। अरे चमक रही हैं आप, आइए बैठिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, क्लेंजिंग क्या करवाएंगे आप? जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बता देना, बाकी के क्लाइंट्स को भी तुम्हें ही अटेंड करना है। मैं नहाने जा रही हूँ। इस समय कौन नहाने जाता है? तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना। अब बताओ क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? मसाज कर दो, फुट मसाज। ओके। मजा आ रहा है सर? हाँ हाँ मजा आ गया। मेरे हाथ में तो जादू है सुनहरी। अगर अब आपको इतना खुश कर ही दिया है तो आपकी बैंक से मेरे लिए बड़ा सा लोन पास करवा दीजिए ना, मुझे भी अपना एक चमकता हुआ सा पार्लर खोलना है। लोन? हाँ। लोन तो तुम उससे ले लेना। 40-50 लाख रुपए तो मेरी सेविंग्स में पड़े हैं। सच्ची? आप मेरे लिए इतना करोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
रुक क्यों गए? मुझे लगता है शायद कोई बाहर है। कोई नहीं है मेरी जान, तुम इधर आओ। अगर घर पे नोटिस नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। आखिर चल क्या रहा है आकाश? क्या हुआ रोशनी, साफ साफ बोलो। पहले खाना खा लीजिए फिर बात करते हैं। तुमसे ना कितनी भी प्यार से बात कर लो ना, लेकिन तुम बताओ पहले क्या बात है? तुमने अभी तक फ्लैट की एमआई नहीं भरी, आखिर चल क्या रहा? तुम्हारी सैलरी टाइम पे आती है ना, बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि अपने घर का सपना सपना ही रह जाएगा। क्या बोल क्या रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा? दूसरी बीवियों की तरह आपकी सैलरी पे हक नहीं जमाती, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी सैलरी कहाँ खर्च करते हो ये जानने का हक नहीं है मुझे। ओ हेलो, बैंक में काम करता हूँ मैं देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सैलरी कहाँ और कैसे खर्च करनी है वो बहुत अच्छे से जानता, ठीक है? क्यों ना लो टेंशन, बीवी हो तुम्हारी, तुम अपनी सैलरी कहाँ खर्च कर रहे हो ये जानने का हक है मुझे। रोशनी, क्या हक? कोई हक वक नहीं है। और तुम ना मेरे ये सर पे नाचना बंद करो। अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मुझे तुम्हें हिसाब देना पड़े। सारा मूड खराब कर दिया। आकाश, देख सुनहरी, तू क्लाइंट से क्लाइंट की तरह ट्रीट कर। ये मैनीक्योर पेडीक्योर और फेशियल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तू जो ये अब कर रही है ना, सही नहीं कर रही है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहन होने के नाते मेरी बात को समझ। अरे मेरी प्यारी लवली दीदी, ये देखो 15 प्रो मैक्स लेटेस्ट मॉडल है, और गेस करो कौन लेके आया मेरे लिए? ऑफ कोर्स वही आकाश। अरे दीदी, उस बेवकूफ को मैं बोल दूं कि मेरे लिए चांद लेकर आ तो चांद ढूंढने निकल जाएगा। कहाँ मिलते हैं ऐसे मजनू रोज रोज बताओ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, तेरे हुस्न का दीवाना जो हुआ पड़ा है। तभी तो कह रही हूँ दीदी, जो चल रहा है ना वो चलने दो। और एक बात बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आकाश का ना मुझसे सच्चा वाला प्यार होता है। और तुझे? तुझे भी प्यार हो गया? देख इस प्यार व्यार के झमेले से ना दूर रह। और एक बात बता, ये बाकी के जो मर्द क्लाइंट आएंगे उन्हें तो सर्विस देगी, या फिर ये सब कुछ आकाश के लिए है? अरे मेरी लवली दीदी, ऑफ कोर्स दूंगी, जितनी चाहिए उतनी सर्विस दूंगी। अरे ये मर्द जो अपनी बीवी की शक्लों तक को नहीं देखना चाहते, उनसे तंग होकर ही तो हमारे पार्लर में आते हैं। हम जरा सी हेड मसाज फुट मसाज क्या दे दें, 200 के काम के 2000 दे के जाते हैं। अरे इन्हीं के पैसों से तो बनेगा हमारा बड़े शहर का बड़ा पार्लर। दीदी कहाँ हो गई? बड़े पार्लर में। वैसे काम बहुत बढ़िया करती हैं आप। बस भगवान जी का दिया हुआ हुनर है, एक बार जिसका पांव दबा दी उसको सारा खिंचाव मोच दर्द तकलीफ एकदम छमंतर हो जाती है। तो जैसे ही आपने काम शुरू किया ना वैसे ही छुमंतर हो गया। अच्छा एक बात पूछे? पूछिए जी। शादी हो गई आपकी या अभी तक कुंवारी हैं? देख के क्या लगता है आपको? सारे शहर में सबसे खूबसूरत अप्सरा हैं आप। क्या हुआ? छोड़ लेके जा रहे हो हमारी अप्सरा को, मतलब सुनैनी जी को? ए चुप मैडम, यूं तेरा बाप मिले तो नहीं। चलो कपड़े में ये चल क्या रहा है? अरे सर मैं कर देती हूँ ना। पर ये है कौन? एक्चुअली क्या है ना, उनका जरा सा लव शब का चक्कर है, और वैसे भी वो आपके हाथ नहीं आती। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पेडीक्योर कर देती हूँ। ठीक।
क्या कर रहे हो आकाश, बाहर कस्टमर बैठे हैं और तुम ऐसे। बस सुने, कुछ और मत बोल। प्यार करता हूं मैं तुमसे, तुम किसी और मर्द को ऐसे कैसे मसाज दे सकती हो? बोलो, मैं नहीं देख सकता तुम किसी और मर्द को ऐसे मसाज। प्यार हो गया तुम्हें मुझसे? सच्ची में बोलो बोलो, अपनी आंखों पे आंखें डाल के बताओ, प्यार हो गया है मुझसे? नहीं देख सकती मुझे किसी के साथ? हो गया है प्यार, बहुत सारा प्यार हो गया, बेइंतहाशा प्यार हो गया। मैं क्या करूं अब, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं नहीं देख सकता तुम किसी गैर मर्द को ऐसी छुओ। हेलो हेलो, बताओ कैसे हुआ इतना प्यार मुझसे? बस हो गया, तुम्हें पता है जब तू मुझे टच करती हो ना, तो कसम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूँ और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। तो यही सोचो कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ और भूल जाओ अपनी उस बीवी बीवी को। अच्छा आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? और ये भी सोचना कि तुम ही हो मेरे पहले बॉयफ्रेंड। आकाश, आकाश तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आकाश क्यों किया तुमने ये? क्यों किया तुमने ये? रोशनी, तो बर्तन क्यों मांज रही हो? खाना खाया तुमने? रोशनी, रोशनी क्या हुआ? नाराज हो क्या? बात क्यों नहीं कर रही? दूर हटो मुझसे। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे अरे क्या कर रही हो? अरे लग जाएगी मेरे। मैं क्या कर रही हूँ? कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? अंजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे कि तुम ऑफिस से घर आ रहे हो सीधे। अरे तो ऑफिस से तो आ रहा हूँ, और कहाँ से आऊंगा? उस लड़की से मिलकर आ रहे हो, मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे। झूठ बोल रहे हो? मुझ में छूती है तो तुम्हें 18 साल का फील होता है ना? तुम्हें पता है जब तू मुझे टच करती हो ना, तो कसम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूँ, मेरी पहली गर्लफ्रेंड। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड? ये बताओ कितनी बार सो चुके हो तुम उसके साथ? बताओ कैसी बात कर रही है रोशनी, और तुम मेरे पर ना ये बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ, मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं बेबुनियाद इल्जाम? तुम सच सच बताओ क्या कर रहे हो तुम बाहर? गुलझर्रे उड़ा रहे हो? ये मत सोचना कि तुम चंद्रमुखी के साथ गुलझर्रे उड़ाओगे और मैं पारों की तरह यहाँ पर आंसू बहाऊंगी। बस चुप एकदम, अब तुम्हारी एक बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मुंह मत करो अपना। अरे क्या बक्के रही हो तुम? अच्छा बहुत शरीफ बन रहे हो ना। ये सुनो,
तुम्हें पता है? ये तुम्हारी आवाज है ना? जब तुम मुझे टच करती हो ना, तो कसम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूँ और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। भूल जाओ अपनी उस बीवी बीवी को। अरे नहीं रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझ पे ना बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे, बंद करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितना झूठ बोलोगे आकाश, कितना झूठ बोलोगे? बस एकदम चुप। अब और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये घर मेरा है और इसे मैं चलाता हूँ, तभी से बात करना मुझसे, समझी? तुम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम उसके साथ गुलचर्रे उड़ा रहे हो। अपनी औकात में रह लो, तभी से बात करना मुझसे, समझे तुम? क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? अरे बताओ मुझे। यार सुमेरी, तेरी बीवी को हमारे बारे में पता चल गया, घर पे महाभारत छिड़ रखी है उसने, ये यहाँ पे चला आया। तो तुम तुम्हारी बीवी को छोड़ के सीधा मेरे पास चले आए? तो और क्या करना, उसकी जली कटी बातें सुनने से अच्छा कि मैं तुम्हारे पास हूँ। कम से कम तुम तो मुझे बुरा फील नहीं कराती ना। और कभी करवाऊंगी भी नहीं बाबू, जो लोग प्यार करते हैं ना वो सिर्फ प्यार करते हैं, कोई जली कटी बातें थोड़ी सुनाते हैं। आओ बैठो। मुझे टच करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूँ, तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। तो यही सोचो कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ और भूल जाओ अपनी उस बीवी बीवी को। अब और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये घर मेरा है और इसे मैं चलाता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम उसके साथ गुलचर्रे उड़ा रहे हो।
रोशनी क्या हो गया? आगे खोलो रोशनी, रोशनी क्या? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो रोशनी, रोशनी। डॉक्टर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो। हेलो एम्बुलेंस भैया, विकास नगर सेक्टर 4 मकान नंबर 32 में जल्दी आ जाइए प्लीज। यहाँ मेरी बीवी जिंदगी और मौत में झूल रही है, प्लीज जल्दी आ जाइए। कुछ 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 नहीं होगा तुम्हें, डॉक्टर डॉक्टर आ रहे हैं। माँ बनने वाली थी रोशनी, अरे बताया क्यों नहीं मुझे? उससे बात मिल गई रोशनी, मुझे बात आके खोले रोशनी, आके खोलो। हैं बोले साकिर, मैं तुम्हें लेके जाऊँ। आप रिलैक्स कीजिए। चला गया ना तुझे यूज करके, इसलिए कहा था कि काम पर ध्यान दे, लेकिन क्यों ध्यान देगी? उड़ गया अब तेरा नाम जपने वाला तोता, बेवकूफ। दीदी शट अप। पानी पी, हाँ मुझसे गलती हुई, बहक गया था मैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ कि आगे से ऐसी कभी गलती नहीं करूं। प्लीज मुझे माफ, प्लीज मुझे माफ कर। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। तुम्हें पता है आकाश, एक औरत के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब मायने नहीं रखता। उसके लिए मायने रखता है उसका पति। वो अपने पति का प्यार किसी से बांट नहीं सकती, किसी से भी। आकाश, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, बस की बात याद रखना तो हम बहुत खुश रहेंगे। तुम तुम्हें किसी से बात नहीं सकते। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा याद रखूंगा। माफ कर दो प्लीज। Thank you.
लोन तो तुम मुझसे ले लेना, 40-50 लाख रुपए तो मेरी सेविंग्स में पड़े। आंखों में आंखें डाल के बताओ, प्यार हो गया मुझसे? नहीं देख सकते मुझे किसी के साथ? बहुत सारा प्यार हो गया, बेइंतहा प्यार हो गया। मुझे बार बार फोन मत किया करो, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। अरे उसने अपनी नस काट ली थी, तो मुझे भूल जाओ। आकाश तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो दीदी चक्कर खा के गिर गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। I really need you, I beg of you, तुम आ जाओ आकाश। अरे इंसानियत के नाते तो आ जाओ कम से कम। अब सुन सुन, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अब किसी की मदद करने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। किसी को नहीं भूलती। दीदी इसका आगे क्या करना है? देख, प्यार तो अब ये तुझसे करता नहीं, इसलिए तुझे इससे ढेर सारे पैसे लेने पड़ेंगे, ताकि हम उस पैसों से बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर बनवा सके। दीदी पैसे की तो आप बिल्कुल भी चिंता करो मत, वो तो मैं इससे निकलवा ही लूंगी। वो क्या है ना, इसके अकाउंट में 40-50 लाख रुपए तो ऐसे ही पड़े, देने तो इसको पड़ेंगे। The number you are trying to call is currently switched off. Switch off? वो कह रहे थे कि किसी की मदद करने जा रहे हैं।
और सुबह के 4 बज रहे हैं, फोन स्विच ऑफ है। वाह, मेरे पति किसी मुसीबत में तो नहीं है? फिर से लगाती हूँ फोन। स्विच ऑफ। कहाँ पर है? भैया, ये मेरे पति की फोटो है, आपने इनको देखा है कहीं? नहीं मैम। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरे घर पे इंतजार कर रही है, परेशान हो रही है। प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? अभी मुझे वो मिला ही कहाँ है जो मुझे चाहिए। मुझे भी वही चाहिए। क्या चाहिए तुमको? पैसा, बहुत सारा पैसा, 40-50 लाख रुपए। जितने भी तेरे अकाउंट में है ना, सब मेरे अकाउंट में डाल दे और चला जा। चिंता मत कर, हम ना किसी को कुछ बोलेंगे और ना ही तेरा शादीशुदा जीवन बर्बाद होगा। वैसे भी तुम बैंक में काम करते हो ना, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर। अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम लोगों में नहीं जुटाऊंगा। कमाई नहीं लुटाओगे ना तो जिंदगी लूट लेंगे तुम्हारी। पढ़ रहो ऐसे ही, जब चाहेंगे जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे तुम्हारे साथ करेंगे। बड़ा कमाई नहीं लुटाऊंगा। मूर्खा, मोबाइल का बिल, ये तो किसी लवली ब्यूटी पार्लर का है। हाँ, इसका मतलब कि मैं इसी लड़की की आवाज सुन रही थी। Thank you.
कहिए क्या करवाना है आपको? मुझे वैक्सिंग कराना था, हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। वैक्सिंग के साथ साथ फेशियल का भी कॉम्बो है हमारा। अगर आप ये दोनों करवाएंगे तो 3000 में दोनों हो जाएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको फ्री में मैनिक्योर और पेडिक्योर भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। और मेरी दो सहेलियां भी आई हैं मेरे साथ, अगर हम तीनों करवाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ है आपकी सहेलियाँ? बाहर है, मैं बुला के लाती हूँ। आलिया, फातिमा आ जाओ। हाँ आइए आइए, तीनों को खूब डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बैठिए। मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम कहाँ है आपका? यहाँ से सीधे चाहिए, वहाँ से राइट। जी हम बैठिए ना, चलिए। आकाश, 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 उठो आकाश, आकाश। रोशनी, तुम्हारी, मेरे तुम्हें दुख नहीं था। तुम चिंता मत करो आकाश। इन दोनों ने मेरे पति को अंदर बांध के रखा हुआ था। तुम लोग देखिए मैडम, गन नीचे रखिए। ये दोनों भाग नहीं पाए। कहाँ है आपके पति? अंदर, चलिए। चलिए अब ठीक तो है? चलिए। दीदी कुछ नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बताती हूँ कि तुमने क्या किया। तुम दोनों का यही काम है ना, मर्दों को बुरखे में यहाँ बुलाती हूँ। पहली बार मेरा पति भी बुरखे में ही आया था, वो बुरखा मुझे मिल गया है, और वो फोन भी जो इन्होंने तुम्हें गिफ्ट किया था, उसी में यहाँ का एड्रेस था। और मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग क्या करती हो, क्या धंधा है तुम्हारा। ओ मैडम, मैं नहीं गई थी तुम्हारे पति के पास, तुम्हारा पति आया था मेरे पास। तो दूर भी तो चला गया था। सर, मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया था। इसने मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। इन दोनों ने मुझसे झांसी जाने की कीमत, मेरी जिंदगी भर की कमाई, पूरे 50 लाख रुपए मांगे थे ना मुझसे। छोटा बिजनेस, यहाँ गैरकानूनी तरीके से चोरी से बिना लाइसेंस के आदमियों को पार्लर की सर्विस देने और इसको किडनैप करके फिरौती मांगने के आरोप में तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। लेके चलो इन दोनों को। सर मेरी बात सुनिए, देखिए देखिए मैंने कुछ नहीं किया। ये रोशनी की बहादुरी थी कि वो अकेले अपने पति को ढूंढने निकल गई, और अंत में उसने आकाश को सुनहरी और लवली के चुंगल से बचा लिया। गलत कामों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। आज उन दोनों बहनों का ब्यूटी पार्लर बंद हो चुका है और दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं।
इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.